एक ना एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला। और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आपकी आवाज ये लाइव संसार। मैं मोहम्मद अखलाक आजमी मुस्तफा मदीना मस्जिद जी। एक सिलसिला हमने दोहराया है कि मास्क चूँकि हुकूमत की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के मुताबिक दो की दूरी और मास्क जरूरी, और ये अपनी एहतियात और अपने परिवार और अपने सभी भारतवासियों की एहतियात के लिए, ताकि बताया जाए कि भाई एहतियात जान की और ज़रूरी है, तो उसके मुताबिक ही हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है और ये मास्क तकसीम किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहाँ कहाँ भेजने का प्रोग्राम है आपका? सब जगह, हर एक बंदे के लिए, ताकि हर बंदे पर पहुँचे। हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पर पहुँचाया जाए, जिसके पास मास्क नहीं है वो आए और मास्क ले। ये किस तरफ से सेवा की जा रही है? बस ये अपनी तरफ से ही है, अपने दो चार बंदे हमारे अपने हैं। ये जो बैनर है झंडे का उलेमाए हिंद का है मास्क पर? झंडा वंडा नहीं है, बस एक अलामत निशान है कि हाँ जमीत का ये झंडा है, जमीत का इस तरह का ये रंग होता है, जरा तिरंगा है हमारा, जरा ये जमीन का भी निशान है, कलामती है, तो उसके तौर पर ये असल तो मास्क है। बोल लगा। यहाँ पर मीडिया लाइव संसार के रिपोर्टर ये यहाँ पर वो मास्क वितरण के लिए पैकिंग करा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इससे पूछते हैं, हाँ बेटे ये आपने मास्क क्यों लगा रखा और ये पैकिंग क्यों हो रही है? जी हाँ, हमने मास्क क्यों लगा रखा है और सबको लगाना चाहिए कि जो ये बीमारी फैल रही है कोरोना, इसलिए इससे बचने के लिए। जी बेटा नाम क्या तुम्हारा? कफील अहमद। जोर से बोलो। कफील अहमद। मास्क की वजह क्या है, क्यों लगा रखा तुमने मास्क? ये कोरोना से बचने के। कोरोना? और तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो? मदीना मस्जिद में, इंदिरा नगर। क्या तुम पैगाम देना चाहोगे अपने साथियों को मास्क के बारे में? मास्क लगाना जरूरी है कोरोना से बचने। अभी क्या बोल रहे थे बेटे आप? मास्क लगाओ, देश बचाओ, कोरोना भगाओ। मास्क लगाओ, देश बचाओ, कोरोना भगाओ। जोर से बोलो। मास्क लगाओ, देश बचाओ, कोरोना भगाओ। 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 जोर से नहीं बोलो। मास्क लगाओ, देश बचाओ, कोरोना भगाओ। जी रिपोर्टर साहब, आप मीडिया संसार लाइव के रिपोर्टर हैं, इन बच्चों के लिए ये बच्चे क्या कह रहे हैं और क्या पैगाम ये देना चाहते हैं? देखिए पैगाम तो सिर्फ यही है, रोज़े अव्वल से ही जब से देश में कोरोना का मामला सिलसिला शुरू हुआ है, हमने उसी वक्त से उठाना है कि अपने मुल्क और अपने देश को किस तरह से बचाना है और अपने देश की जनता देशवासियों को किस तरह से उनके हित में और उनके फेवर में काम करना है, किस तरह से जान की जिंदगी बड़ी अहम होती है कि जिंदगी किस तरह से बचाई जा सके। उसमें हमने ये भी देखा कि मास्क थे, पहले दूसरे मास्क थे वो भी तकसीम करते थे, अब हमने ये सोचा कि ये एक अलामती निशान है, जमीयत का है, जमीयत की तरफ से भी है कि जमीयत उलमा हिंद हमारे कायदे मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब हैं,
उनका खास पैगाम था कि दो गज की दूरी जो गवर्नमेंट और सरकार की गाइडलाइन है उसका पाबंदी के साथ लाजमी तौर पर उसका यानी कि पाबंदी की जाए, उसकी लाजिम है कि हम फासला सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जाता है कि उसको रखें, मास्क लगाएं। यही दो ही चीज़ें, चूँकि महामारी है, बीमारी है, इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, एहतियात है, एहतियात ही असल चीज़ है। तो हमने ये ठाना है कि भाई मास्क जितने भी हमसे हो सकते हैं, जितने भी हम तकसीम कर सकते हैं, हम वो तकसीम कर रहे हैं, करते भी हैं। वैसे ही जुमे की नमाज में हमारे नमाज आते हैं माशाल्लाह। लगभग कितने मास्क अंदाजन? ये तो 10,000 से ऊपर की बात, ये तो जमीत वाले मास्क जो एक अलामती निशान है जमीत की तरफ से, ये तो बहुत जा चुके हैं। और उससे पहले जो मास्क तकसीम होते हैं वो भी सब जमीत की तरफ से ही हैं, जुमे की नमाज में तकसीम किए जाते हैं, वो भी सब हज़रत कायद मिल्लत वहाँ सैयद महमूद असद मदनी दावत बरकात उनकी ईमा और आपके हुक्म पर, आपके इशारे पर ये सारे काम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होता रहेगा जब तक इंशाल्लाह ये महामारी का दौर है, उसके बाद जैसे भी कुछ होगा इंशाल्लाह फिर आगे मुहिम चलाएंगे जैसे भी इंशाल्लाह। क्या सिगल देगा? सिगल देगा दिखा मेरा ठीक है आपको बनाता है देखते रहे मास्क लगा रखा था मेरे मास्क लगा रखा था मेरे